Big news of the hour. The BJP has called its parliamentary core group meeting in Jammu and Kashmir today evening. The meeting will focus on the Udhampur Lok Sabha seat. Now, additionally, the BJP leaders will also mull over the Jammu Lok Sabha seats tomorrow. Ashik Mir on the telecast with me. Ashik, give me details about this meeting that has been called by the BJP. Lok Sabha elections, obviously Jammu and Kashmir will be the big focus. देखिए मेघना, जिस हिसाब से बीजेपी जम्मू कश्मीर में कोशिश कर रही है कि वो आम चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी एक अहम रोल निभाए, और बीजेपी एक वाहिद जमात है जिसने दो कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, अगर हम जम्मू कॉन्स्टिट्युएंसी की बात करें या उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी की बात करें, तो वहां से दो चेहरे जो है सामने आए हैं जिनका नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर के तौर पर किया गया है। यानी वाहिद जम्मू कश्मीर में एक बीजेपी ही पार्टी है जिसने दो कैंडिडेट्स का नाम लिया है, और बार बार बीजेपी लगातार इन जैसी मीटिंग्स में हिस्सा ले रही है, कोर ग्रुप मीटिंग, चाहे जम्मू में हो, चाहे श्रीनगर में हो, चाहे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हो। यानी इस हिसाब से कैंपेन की जा रही है। हाल ही में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का जम्मू कश्मीर का दो बार दौरा किया गया। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी उन्होंने एक बाहरी रैली से जो है संबोधित किया, और उसके बाद कश्मीर में उन्होंने एक ऐसी रैली संबोधित की जो कि एक हिस्टोरिकल रैली मानी जाती है, एक तरह से वो इलेक्शन कैंपेन के तौर पे भी ली जा रही है, और किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए आम इंसान आए थे। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब इन चुनावों में जो है एक अहम किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है। इन्फॉर्मेशन आप बताएं कि जब 2019 के इलेक्शंस हो रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था जहां पे छह कॉन्स्टिट्यूएंसीज, छह लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कॉन्टेस्ट था पॉलिटिकल पार्टीज का। अब जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। कितने सीट्स जम्मू में हैं और कितने लोकसभा सीट्स कश्मीर में हैं? देखिए, अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो यहाँ पर तीन लोकसभा सीट्स है। एक तो दक्षिणी कश्मीर की अगर हम बात करें, या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, या नॉर्थ कश्मीर, यानी उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, ये वो तीन सीटें हैं जो हम कश्मीर के साथ जोड़ते हैं। और अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू में भी दो लोकसभा सीट्स है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, एक लद्दाख की सीट को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो पांच लोकसभा सीट्स है जिन पर चुनाव की अगर हम बात करें, तो अगर हम कश्मीर रीजन की 2019 के इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों सीटों पर जो है जीत दर्ज की थी। और इसके बाद अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू में जो है बीजेपी ने इन्हीं दो सीटों पर जो आज के दो नामजद उम्मीदवार है, तो आज के कैंडिडेट्स है, इन्हीं दो ने जो है जय जीत वहां से दर्ज की थी। और अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी बीजेपी को जीत मिली थी अगर हम 2019 के इलेक्शंस की बात करें। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि बीजेपी अब साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग की सीट पर काफी ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन अभी तक ये कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पाए हैं। खाली जम्मू की दो सीटों पर अनाउंस हुआ है जी। ओके, ऑलराइट, थैंक यू आशिक फॉर गिविंग अस दोस डिटेल्स। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।